शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मैं आपके सारे अरमानों को छीन कर जा रही हूँ। अगर मैं क्या करूँ, मैं आपके प्यार को ठुकराने नहीं, अपने प्यार को अपनाने जा रही हूँ। अपनी बेटी की इस मनमानी को नादानी समझकर माफ कर देना। सुनो नीता, मुझे पाने के लिए अगर तुम्हें अपना बहुत कुछ खोना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस तरह तुम्हें चोरी छुपे भगा ले जाना मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता। नीता, मैं तुम्हारी जुदाई को अपनी तकदीर समझकर बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। नहीं अजीत, इन आंसुओं को गलत मत समझो। अगर मैं डोली में बैठकर घर छोड़ती, रोना तो मुझे तब भी था। एक औरत ही समझ सकती है इन आंसुओं की वजह, और फैसला तो उसी वक्त हो चुका था जब मैंने अपने घर का दरवाजा बंद किया और तुम्हारे कार का दरवाजा खोला। कागजात पर इनके सिग्नेचर बहुत जरूरी है, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। भले करोड़ों का नुकसान हो जाए, राय बहादुर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। चल जाओ। हेलो, मैं नीता बोल रही हूँ। सर आपके लिए फोन है। गेट अप, डोंट डिस्टर्ब मी, गो। सर नीता मेम साहब का फोन है। हेलो। डैडी की तबीयत कैसी है अंकल? देखो बेटी, उनको बहुत गहरा दिली सदमा पहुंचा है। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस लौट आओ। नहीं अंकल, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, अब लौटने की ताकत मेरे पैरों में नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी है? मेरी मजबूरी जानकर तेरी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंकल अंकल, मैं मां बनने वाली हूं। अंकल, मैंने अपनी भूल सुधार ली है, मैंने अजीत से शादी कर ली है। शादी कर ली? कितनी बदनसीब हूं मैं, डैडी से आशीर्वाद लेने के बजाय उन्हें जिंदगी भर का दर्द देकर चली आई। मैं क्या करूं अंकल,
आप ही बताइए मैं क्या मुंह लेकर आऊं अपने घर। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। मेरे राज प्यार का यही बदला दिया मुझे। तेरा बाप मर गया। प्यार के खेल में आग होती है सुना था, मगर आज उसी आग ने मुझे सर से पैर तक जला दिया है नीता। और जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे तब तक मैं अंदर ही अंदर सूखी लकड़ी की तरह जलता रहूंगा। तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी की तस्वीर जो मेरे हाथों बिखर चुकी है तेज तलवार बनकर मुझे काटती रहेगी, जिंदगी भर काटती रहेगी नीता। नहीं अजीत, नहीं। मेरी गुजरी हुई जिंदगी गुजर चुकी, अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि वो भी है जो तुम्हें पापा और मुझे माँ कहकर पुकारेगा, जिसकी मुस्कुराहट में हम सारे गम भूल जाएंगे। अमीरी की दुनिया से दूर प्यार की इस दुनिया में वो हमारा दिल बहलाएगा, हमें हंसाएगा और उसी के सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। नाना बन गया हो खान। क्या हुआ नीता के? अरे क्या हुआ? अरे बताओ, कहीं रोना क्यों हुआ? क्या क्या बात, तुम्हें खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? तुम्हें जाना चाहिए वहां और आशीर्वाद देना चाहिए नीता को। वैसे तुम्हें जाना चाहिए। मैं कैसे जाऊं यार? मनु सोचो बेटे। नीता, तुमने बेटी को नहीं साक्षात लक्ष्मी को जन्म दिया है। मैं तो घबरा गई थी कि कहीं बेटी पैदा होने की खबर सुनकर तुम नाराज न हो जाओ। मैं और नाराज? छी, कैसी बातें करती हो तुम? आज से तो मेरी खुशियां शुरू हुई हैं। तुम्हारा साथ पाने के बाद मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो अब सब पूरे हो जाएंगे, और वो भी तुम्हारी बेटी के जरिए। बेटी के जरिए? तुम्हारे उस बाप और इस बेटी के बीच में जो रिश्ता टूट चुका था, आज हमारी इस नन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची के जरिए वो रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। और फिर रिश्ते में वो इसके नाना जी हुए ना, और नाना जी का पूरा हक है कि अपनी निवासी को आकर देखें। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं तुम्हें। और हाँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खर्ची के लिए हर रोज 500 रुपए देते थे। हमारी इस बेटी की मुंह दिखाई के लिए वो कम से कम 50,000 रुपए तो देंगे ना। हम कब तक फकीरों की तरह जिंदा रहेंगे? कब तक गरीबी के आलम में रहेंगे? No, we need money. At least I do. अगर तुम्हें अपनी जबान से कुछ नहीं कहना तो मत कहना। अगर तुम्हें अपने बाप के घर में नहीं जाना तो मत जाना। मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आज के जमाने में दहेज के बिना कोई भिखारी की बेटी को भी नहीं अपनाता। और मैंने 1 करोड़पति बाप की बेटी को अपनी बीवी बनाया है। मैं इस मासूम बच्ची का चेहरा उन्हें दिखाकर जो चाहूं उनसे मांग सकता हूं। 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन नहीं,
फिलहाल मैं उनसे लाख दो लाख मांग कर गुजारा करूंगा, और शुरुआत में इतनी भारी रकम मांगना भी ठीक नहीं ना, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा हमारी मांगे बढ़ती जाएंगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें तुम्हारे डैड से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें हमारी मांगों को पूरा करने की आदत सी पड़ जाएगी। मतलब तुमने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझसे शादी की थी? हाँ। और तुम्हारा वो प्यार सब ढोंग था, सब नाटक था। नहीं अजीब, अजीब नहीं, अजीब नहीं, नहीं अजीब। आंसू बहाने से तकदीर का लिखा हुआ धुल नहीं जाता। जाओ अपने डैड के पास और उनसे कहो कि उनके सन इन लॉ ने बैंक ऑफ डैड से अपने दहेज का पहला इंस्टॉलमेंट मांगा है। इंस्टॉलमेंट नाउ गेट। मैं जानता हूं कि नीता की मौत का आपको बहुत दुख है, और होना भी चाहिए। नीता अगर आपकी बेटी थी तो वो मेरी धर्मपत्नी भी थी। थोड़े आंसू बहाने का मुझे भी हक है। चले गए वो, हम सबको छोड़कर चले गए, जलकर राख हो गए, लेकिन एक बात अधूरी छोड़ गए। अब नीता ने आपको कुछ बताया नहीं पैसों के बारे में? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे 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 अरे, एक बात तो मैं भूल ही गया कि एक
कानूनी कागज है मेरे पास और इस कागज के मुताबिक नीता से मेरी शादी हुई थी और इस कागज के मुताबिक वो मेरी धर्म पत्नी थी और इस कानूनी कागज के मुताबिक ये जो नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा ना इस बुड्ढे की गोदी में, इसकी परवरिश करने का हक सिर्फ मुझको है, आपको नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? आपके पास रहेगी, अच्छे से उसकी परवरिश होगी, पढ़ेगी लिखेगी, डॉक्टर बनेगी, वकील बनेगी, लॉयर बनेगी और किसी अच्छे खानदान में उसकी शादी भी हो जाएगी। और अगर ये मेरे पास रहेगी तो इसका कुछ नहीं होगा और हो सकता है कि एक दिन बुढ़ापे के हाथों मजबूर होकर मैं इसे किसी शराब के अड्डे में ले जाऊं, इसे कोठे पे बिठा दूं। डर गए? ससुर जी ये पैसे का खेल है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी सी बच्ची आपके पास रहे तो हम दोनों आपस में पैसे का कुछ समझौता कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी सी बच्ची आपके पास रहे तो हम दोनों आपस में पैसे का समझौता कर लेते हैं। रामजादे कमीने, बोल तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जितना मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम हमें कभी अपना मुंह नहीं दिखाना। मेरी बच्ची मान यार, तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, लेकिन तू देखना मैं अपनी इस बेटी के लिए एक नई दुनिया बसाऊंगा, एक ऐसी दुनिया जहां जमाने की गंदी हवा ना हो मेरे यार, तू देखना है, तू देखना। जल्दी जल्दी से गाड़ी निकालो, गाड़ी से सारा सामान उतारो, कम ऑन, हरी आप, हरी आप।
गुड मॉर्निंग मैडम। 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 ये क्या है? पिंकी मैम साहब जाग गए। ओ माय गॉड। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday darling Pinky. क्या happy birthday, happy birthday? आपने कहा था कि सुबह good morning कह के हमें जगाएंगे, happy birthday कह के हमें गले से लगाएंगे। सुबह जब हमारी आंख खुली तो ना ही कानों में आपने good morning कहा और ना ही गले लगाकर happy birthday कहा। क्या हमारे birthday के दिन भी हमें इन लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी? Darling Pinky बेटी, आपका हैप्पी बर्थडे का केक और ये तोहफे लेने हम खुद गए थे, किसी और को भेज देते वो उल्टे सीधे चीजें ले आता, तो आपका हैप्पी बर्थडे नहीं अनहैप्पी बर्थडे हो जाता डार्लिंग। तो ठीक है, हमारा मूड बनाए रखने के लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा नानू। हाँ बेटी, जो कहोगी करेंगे। कहो, तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाए, तुम्हारे लिए मुर्गी बन जाए, तुम्हारे जन्मदिन पर जो कहोगी करेंगे। तो फिर आप डांसर बन जाइए। हाँ हाँ, डांसर। डांस नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं होगा? सर, टीवी। रुको। I said dance. सर, प्लीज डांस। ओके, ओके। डांस। म्यूजिक। पिंकी मीम साहब घूमने जा रही है। में घूमने जाएंगे। अरे हाँ, जरूर जाओ बेटी, जरूर जाओ। खुली हवा में घूमने फिरने से सेहत ठीक रहती है, जरूर जाओ। हमने पिंकी की शादी जहां तय की है बिल्कुल सही घराना है। अगर हमारे पास 10 गाड़ियां हैं तो उनके पास 20 गाड़ियां हैं। अगर हमने 5 फैक्ट्रियां लगाई हैं तो उन्होंने 8 फैक्ट्रियां लगाई हैं। माना कि तेरे बालों में हद से ज्यादा तब्दीली आ गई है, मगर पिंकी को अभी तक कोई ऐसी समझ नहीं आई जिससे कि हम उसे ब्याह शादी की बात समझा सके। वो तो ऐसे खींच तान के लंबी हो गई है, अकल अभी तक घुटनों में है। उसके सर पर बचपना सवार है और तुम्हारे सर पर उसकी शादी का भूत। वो हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि पिंकी की शादी तय है। वो डोली में बैठ जाए बस, उसके बाद चाहे मौत क्यों ना आ जाए। यार नहीं ससुर जी, नहीं। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? हमारे होते हुए भला आप कैसे मर सकते हैं? क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए? अब भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मौत का मातम हमें अपनी मौत तक मनाना पड़ेगा। नहीं ससुर जी, नहीं। अब भले ही आपको दुनिया की जरूरत ना हो, मगर हम जैसे जरूरतमंदों को आपकी बहुत जरूरत है ना ससुर जी? सेक्रेटरी। अरे चमचे, जब मैं आऊँ तो हमेशा की तरह चेकबुक तैयार होनी चाहिए ना, कलम भी। ससुर जी जरा कलम घुमाए ना। वाह ससुर जी वाह, आपकी इस कलम ने तो मेरी जिंदगी सुनहरे शब्द। हाँ
ससुर जी आप ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? जिनके जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलते हैं। ये क्या आपने भी मेरी तरह पीनी शुरू कर दिया है क्या? नहीं, आज तक तू जो हराम के पैसों से पीता आया है, आज तेरे सर से उसका नशा उतारने वाला हूं। ससुर जी, मेरे सर से शराब का नशा तो उतर सकता, लेकिन आपकी तिजोरी की जो दौलत का नशा है वो कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि उस तिजोरी की चाबी है मेरी बेटी पिंकी। कुत्ते, तेरी सारी जिंदगी आयाशी और नशे में गुजरी, तुझे पता ही नहीं कि मेरी पिंकी जो कल तक तेरे घुटनों तक आती थी, आज वो तुझसे भी लंबी हो गई है हरामजादे, आज वो पूरे 18 साल की हो गई है, और तो कानून भी उसे मुझसे छीन कर तेरे हवाले नहीं कर सकता। और एक बात ध्यान से सुन ले, जितना पिंकी मुझसे प्यार करती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा वो अपने बाप से नफरत करती है। और जिस दिन उसे पता चल गया कि तू उसका बाप है, तो मैं तो क्या बेटे, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। गाड़ी रोको। भोपाल वाली गाड़ी उड़ा दो। लेकिन मैम साहब, हमने कह दिया ना टक्कर मार के उड़ा दो, मतलब उड़ा दो। पिंकी मैम साहब, बेचारे गरीब का बहुत नुकसान हो जाएगा। हम उस गरीब को इतने पैसे देंगे कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा। अगर इन बच्चों को फल ही खिलाने हैं तो मैं पैसे देकर इन्हें फल खिलाकर आ जाता हूँ। इस तरह बच्चों को तो सेब मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मजा आएगा। चलो ड्राइवर, टक्कर मारो। अरे मैम साहब, मैं तो खड़े खड़े लूट गया, बर्बाद हो गया। कितने पैसे हुए? 500 रुपए मैम साहब। ड्राइवर जरा 5000 रुपए दो। अरे मैम साहब, फिर टक्कर मारने कब आओगी? वर्मा साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, समझिए। बस अब आप तारीफ पक्की कीजिए। आइए, इधर खाना तैयार है। आमार आए साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले इनके बेटे को विलायत से तो आने दो, इंशाल्लाह तारीख भी पक्की हो जाएगी। हाँ हाँ, वैसे हमें भी कोई खास जल्दी तो है नहीं। हाँ, हम आपको अपने बेटे की घोड़ी सजाने के लिए आपको बहुत टाइम देंगे वर्मा साहब, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि पिंकी आपकी हो गई। ठीक है, हम अपने बेटे की घोड़ी को खूब सजा कर लाएंगे और फूलों से सजी आपकी पिंकी रानी को ले जाएंगे। अबे ओ, शादी आने बजाने और पिंकी रानी का घर बसाने का इंतजाम करके तू तो एकदम सुनसान और रेगिस्तान हो गया रे। पिंकी की शादी होगी कल, वो इस घर से चली जाएगी, ये जगह कितनी सुनसान हो जाएगी। अरे पहले पिंकी की शादी तो हो जाने दे। हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बस हमने कह दिया ना, हम शादी नहीं करेंगे, सो नहीं करेंगे, हमें शादी पसंद नहीं है। अरे बेटी, जमाने के रीत रिवाज की गाड़ी हमारे पसंद के पहियों पे नहीं चलती। ये तो जमाने का दस्तूर है कि बेटी जिस घर में पालना झूलती है, एक ना एक दिन उस घर से पालकी में जरूर निकलती है। ठीक है, हर रोज हम मस्जिद में घूमने जाते हैं, अब कभी कभी हम पालकी में घूमने निकल जाया करें। लेकिन शादी नहीं करेंगे। देखो बेटी, शादी तो जमाने का दस्तूर है। हम नहीं मानते ये सब दस्तूर वस्तूर, हम सब जानते हैं शादी के बाद क्या होता है। हम वो पीछे की बालकनी से सब देखते हैं, सामने वो जो क्वार्टर है ना जिसमें आपका ड्राइवर रहता है, जिसने हमारी आया से शादी की है, वो हर रात को शराब पीकर हमारी आया को इतना मारता है कि बस आप पूछिए मत। हम शादी करके मार नहीं खाना चाहते। अरे बेटी, मारपीट तो छोटे लोगों में होती है, लो क्लास सोसाइटी में। तुम्हारे नानू ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है, अरे पूछो मत तुम,
करोड़ों का मालिक है, वो एक्सो कंपनी है ना, उसके मालिक का बेटा है वो। एक्सो कंपनी? जिस कंपनी की कड़वी दवाइयां आप हमें पिलाते हैं, जब दवाइयां ही इतनी कड़वी हैं, तो ना जाने आदमी कितना कड़वा होगा। अब तो ये शादी हो ही नहीं सकती। बेटी हम जुबान दे चुके हैं। आ करो तो। आ। जुबान तो आपके मुंह में है। झूठ बोलते हैं आप। पिंकी इसे छोड़ो, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बचपना छोड़ो और मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटी। देखो बेटी तुम्हारे ना। नहीं नहीं नहीं, हमने कह दिया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। देखो नानू, अगर आपने हमसे जबरदस्ती की ना, तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। डैडी अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तुम्हारे अंधे प्यार की अंधी जिद है बेटी। ये मेरी जिद नहीं, मेरे प्यार का फैसला है। तुम समझती क्यों नहीं, वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। क्योंकि वो गरीब है। वो लड़का धोखेबाज है। नहीं डैडी, जिंदगी मुझे धोखा दे सकती है, मगर वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। डैडी मैं अपने प्यार के लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ। अपने बाप को छोड़ सकती? तू अपने बाप को छोड़ सकती है? तू उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी, लेकिन तेरा बाप अभी अंधा नहीं है। कान घर घर सुन ले, मैं जीते जी तू ये कदम नहीं उठाएगी। और मैं जीते जी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बहादुर, अरे क्या हुआ? खान, पिंक, पिंकी कहाँ है? अरे पिंकी को तुमने थप्पड़ मारा, वो चली गई। नहीं 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 यार, नहीं यार, मैं तो नीता के ख्याल में था मेरे यार, मैं पिंकी को कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? तू जा उसे मना। अरे अरे वो तो रूठ जाएगी। तू जा मेरे यार, तू उसे मना, तू उसे मना, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ओह माय गॉड पिंकी, ओ पिंकी बेटे, पिंकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या अल्लाह खैर, कहाँ गई होगी?
यहाँ तो बहुत बड़ा लफड़ा है, दिन को ट्रैफिक रोड जाम कर देती है और रात को ये टपोरी लोग। लगता है तकदीर ने मेरे 12 बजाने की कसम खाई है। कौन है तू? नाम गोविंदा, काम मीटर डाउन, टैक्सी नंबर 9211। क्या मतलब? पहले लड़की को छोड़, नहीं तो ये एक फटके में ना ट्रेन सबका मीटर डाउन कर दूंगा। लो, फिर साला रामपुरी दिखाता है। देख भाई, क्या है कि मैं खाने में सिर्फ 3 पूरी पसंद करता हूं, भेलपुरी, पानीपुरी और दही पूरी। लेकिन जो मुझे ये पूरी दिखाता है, कसम मीटर डाउन की, मेरे इस मुक्के पूरी से गधे की, समझ गया ना? इतनी रात गए बंबई शहर में अकेली नहीं घूमना चाहिए, वो भी सुनसान रास्ते पर। हट के बे, देखता नहीं मैं लड़की से बात कर रहा हूं, बीच में हट हट बोले जा रहा, इधर आ। सुनिए मैडम, क्या है, आप घबराना नहीं, मेरे होते हुए कोई आपका बाल तक बाका नहीं कर सकता। मैंने इतना अच्छा बाल बना था, तुमने खराब कर दिया। लड़की का लड़की गायब। खैर, इनको तो पटा लिया, लेकिन इनका क्या करूं? ये तेरे घर आने का टाइम है,
ओ माँ, क्या के ये टाइम टेबल उसी टेबल पर काम करने वालों की किस्मत में लिखा है। हम ठहरे टैक्सी ड्राइवर, कितने पैसेंजर मिल जाते, और आज तो कुछ कुछ ज्यादा ही मिल गए थे। बस बस, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, रोज रोज नए नए बहाने बनाता है। खाना बनाना माँ? हाँ हाँ, चल कपड़े बदल और खाना खा ले। शुक्र है जल्दी पड़ गई। घर में बहू आ जाए ना, सब पता चलेगा। खुद बाप बनेगा ना, तब तेरी समझ में आएगा कि बेटे के लिए माँ बाप की ममता क्या होती है। रोज रोज इंतजार करवाता है, खुद देर से आता है और इंतजार मुझे करना पड़ता है। माँ के लिए तो कभी कुछ सोचता ही नहीं। ओहो माँ, चल आज से तेरा ये टैक्सी ड्राइवर अपना टाइम टेबल बना लेगा। हाँ। वहाँ सूर्य देवता समंदर के अंदर, यहाँ तेरा गोविंदा घर के अंदर। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। क्या बोला बे? तुमसे नहीं, मैं मौसी से बात कर रहा हूँ। मौसी, मैं क्या कह रहा था, बाहर गाड़ी में लड़की। ए, लड़की वड़की क्या क्या बकरा है? बकरा नहीं, बकरी, बाहर गाड़ी में। अच्छा अच्छा, तो अब समझी कि रोज 11-12 बजे क्यों आता है। चल उठ, मैं देखती हूँ। तो सही माँ। चुप, चल। निशार देख, तो सही निशार का लड़की देखना है ना। देखो सुंदर लड़की देखना। हाँ देख देख देख। हट, चले हट, जा चल हट। सरकार चला क्या? सरकार चला। ये तो वही लड़की है माँ, कसम से मैं इसे जानता नहीं। मैं देखा नहीं, कहाँ से आ गई, मुझे नहीं मालूम। मजाक उड़ा रहा है, घर में ले ले। अरे माँ, मैं इसे तू ले लेना। अरे संभाल ना, तेल लगाने के मैं नहीं उठा था। सुन तो, अरे तुम लोग जरा हाथ लगाओ ना। हाँ हाथ लगाओ, संभाल के बाहर निकाल दो। ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि लड़की के चक्कर में पड़ो मत। क्या चुप? सोई है। ये क्या है? ये टैक्सी में लड़की को यहाँ लाने का जुर्माना। जुर्माना कैसा? चुप, जा बाहर जाके सो जा। अरे माँ, तुम्हें मालूम है बाहर कितनी सर्दी है इसमें तो। चुप रहना। अरे तुम जा बाहर जाके सो जा, मैं कहती हूँ। अरे तुम पागल हो गई? ये तो इधर आ। अब क्या है? उफ़। हाँ अब क्या है, मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ? चुप रहना, उठ जाएगी तो। अरे उठ जाने तो, इसे बाहर निकालो। हाँ मैं कहती हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गई। वाह, अपनी पूजा पाठ खत्म हो गई, लेकिन मेम साहब की नींद का पाठ अभी तक खत्म नहीं हुआ। उठो महारानी, उठो। हेलो, कौन सा जानू बंद मन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। अजी उठिए महारानी जी, उठिए। मुख के खाट पर ऐसे सो रही हो। परमानंद की है। अरे उठो। हट। मर गौस चाणूर मर्दनम। क्यों मुझे बोल रही हो तुम? परमानंद माधवम। याकुं देंदु तुषार हार धारा याशुभ प्रवस्त्रावृता। अरे हट। ये तुम बात महम। अरे उठते क्यों नहीं तू? अरे माँ कहीं मर तो नहीं गई? चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद। विष्णु मंदे जगत गुरुम। अरे तेरी तो। अरे उठती की नहीं? मंडित महाकालिके महाचंडिके महिषासुर मर्दिनी ओम शांति शांति शांति। तुम? जी हाँ मैं, जिसने कल रात आपको बचाया था, लेकिन आपने इस घर का कुछ नहीं बचाया। ये किसका घर है? है
है नहीं था, आपके उठने से पहले ये घर था, लोग इसे घर कहा करते थे, लेकिन अब लोग इसे कबाड़ खाना वीरान खाना कहेंगे। एक बात बताइए, आप पागल तो नहीं है ना? मेरी बात सुन। ओहो, क्यों मैं तो मैं तू? ये कौन है? अच्छा तो मेरे घर में घुसकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मेरी माँ कौन है? तू जा यहाँ से, इसके लिए चाय बना के ला। क्या मैं इसके लिए चाय लेकर आऊँ? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ। क्या मतलब मेरी वजह से? हाँ, किसी पराई लड़की को जगाने का ये तरीका होता है क्या? अच्छा तो मैं इसे गाना गा के सितार बजा कर जगाऊं? दागवान, दागवान। अब तू जाना। तुम कौन हो बेटी? पिंकी। तुम अपने घर से झगड़ा करके निकल आई हो ना? नहीं। ये राई बराबर उम्र में इतना पहाड़ जैसा गुस्सा नहीं करते। जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे ना तुम्हारे बिना। हमारे माँ बाप नहीं है, हम अकेले हैं। फेंक दिया साली। क्यों, लड़के में कोई खराबी थी? हाँ, वो जिस कंपनी की कड़वी कड़वी दवाइयाँ डॉक्टर अंकल हमें पिलाते थे ना, उसके साथ हमारी शादी करना चाहते थे वो। एक्सो कंपनी वाले से उनकी शादी होगी? कंपनी बंद करवानी है क्या? हमने इनकार कर दिया और नानू ने हमें थप्पड़ मार दिया। मेरी मानो तो तुम अपने घर लौट जाओ। हमारे यहाँ रहने से अगर आपको तकलीफ होती है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन लेकिन हम अपने नानू के घर नहीं जाएंगे। बेटी, अगर तुमने मुझे माँ जी जबान से नहीं दिल से कहा है तो तुम मेरा कहना जरूर मानोगी। लीजिए। हाँ, चाय पीजिए। ले ले। या। क्या हुआ? हम चाय नहीं बोनवीटा पीते हैं। बोनवीटा पीते हैं? हाँ, तुम्हें तो मैं। रहने दे, अब झगड़ा छोड़ दे और इसे घर छोड़ा जा। हाँ? चलिए। मैं पुलिस में खबर नहीं करना चाहता। मगर क्यों खबर करना नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता कि ये मामला घर से बाहर जाए। समझ गया समझ गया। पिंकी का जहाँ तूने रिश्ता पक्का किया है, अगर उन लोगों को खबर मिल गई तो रिश्ता टूट जाएगा। नहीं खान, मुझे उस रिश्ते का डर नहीं है, मुझे तो डर है तो सिर्फ उस हरामजादे का, उस जलील का जो मेरे घर को बर्बाद कर चुका है। पिंकी के भाग जाने की खबर उसे कानों कान भी नहीं होनी चाहिए। हमारी बेटी नहीं भागी, बल्कि हमारे ससुर राय बहादुर के घर से नोटों की तिजोरी भागी है। और अब हमारा ससुर अपनी निवासी को तलाश नहीं करेगा, बल्कि एक बाप अपनी बेटी को तलाश करेगा, और फिर वो बुढ़ा मुझे तलाश करेगा, और इस बार सौदा मेरी बोली पे होगा। दान भी मेरे, होंठ भी मेरे। जाओ हमारी बेटी को तलाश करके हमारे सामने लाओ। Get out of bastards! नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं है। ओह, ये घर भी हमारा नहीं है। अरे मेन साहब, तुम्हारा बंगला है भी कि नहीं? कल तक तो यही था ना, आज पता नहीं चला गया। सुबह सुबह और कोई नहीं मिला टांग खींचने के लिए? हाँ, ये देख रही हो, इन लोगों को टोपी पहनाना बहुत मुश्किल है। चलो अभी पतली गली देखो, चलो। अरे उतरो। चश्मा पहनकर घूर घूर कर क्या देख रही हो? चलो उतरो। ये चश्मा विलायती है और इस चश्मे से मुझे
सब कुछ नजर आता है। क्या मतलब? मतलब जो मुझे नहीं भी देखना चाहिए वो भी मुझे। मैं समझा नहीं। मुझे इस चश्मे से सब कुछ आईने की तरह एकदम साफ नजर आता है, जैसे तुम्हारी लॉन्ग पैंट के अंदर। कैसी लड़की है? धारावी चलेगा? अरे धारावी को गोली मारो, उसके चश्मे से सब कुछ दिखता है, समझा? अरे ये भाई कौन सी नई बात है, हम भी हमारे चश्मे में से सब कुछ देखता है। अरे उसके चश्मे में से कपड़े का अंदर का दिखता है, समझा? अरे तू फिकर मत कर, झूठ राजा नहीं, कोई राजा किसी की बात ना नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। क्या क्या बाबा चश्मा देखोगे? हाँ जरूर जरूर। आराम से, हाँ गिराना नहीं। नहीं 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 मैं चलो चलो। चश्मे में से अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखता है। मजा आया ना लेकिन? उल्लू बना दिया साला। हमको लोगों से बचा लीजिए। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। चलो चलो। ये तो पिंकी है, इसी की तो हमें तलाश है। चलो पीछे करो। Do you take Miss Lily as your lawfully wedded wife? I do. Miss Lily, do you take Mr. Pedro as your lawfully wedded husband? Miss Lily, do you take Mr. Pedro as your lawfully wedded husband? Thank you.
क्या लफड़ा होने लगा है? चलो हटो। गोविंदा। हाय। अरे फिर क्या हुआ? अरे माँ पूछो मत, उसने तो अखी बंबई की पब्लिक को हिला डाली। अच्छा? 25 लीटर पेट्रोल खलास, धंधा खराब। हाँ? 2000 मकान देखे और एक जगह उतर गई। अच्छा हुआ अपने घर से चली गई, नहीं तो अपने मकान का साला आजाद मैदान था। मौसी, क्या है रे? वही लड़की वापस। अबे टकलो, तेरी जात का चल चल रास्ता ना। अरे डिक्की में है, डिक्की में। डिक्की में? डिक्की तो नहीं देखा था। टकलो का टकला नहीं फोड़ दिया ना, मेरा नाम गोविंदा ने। वो तो डिक्की में लड़की है, मेरी आंखें नहीं है क्या? देखो अपनी आंखों से देखो। देखती हूँ। माँ, मुझको बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। चल आजा घर में, आजा घर में ही खा लेना। हाँ वो आ गया। तू डर, चलो उठो। अरे अरे बाबा, इसे घर से नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे चद्दर चाहिए। उठो ले जा, बाहर सो रहा है। सुनो, सुनो नहीं सुनिए। अच्छा सुनिए, बोलिए। आज रात को आप इधर नहीं सो सकते क्या? माँ जी, जा। माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात को ये अपना घर समझकर इधर सो? इधर नहीं सो सकता? अरे साला अपना तो नसीब ही खराब है, कुत्ते ने भी पेशाब कर दिया। ये गोविंदा शराब तो? अरे नहीं नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या है कि ये जो पति लोग होते हैं ना, ये अरे तू चुप बैठ। गोविंदा ने क्या लड़की पटायला है? टैक्सी से सीधा एम्पाला कार। ले। गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का, मीटर डाउन हो गया। Thank you.
है फूलों की डाल पर, ड्राइवर की जिंदगी है मोटर की चाल पर, दिल मेरा चल रहा है इंजन की ताल पर, यादों की बैटरी को रखा संभाल कर, तूने ओ जाने जिगर मारा वो तीरे नजर, तूने ओ जाने जिगर मारा वो तीरे नजर, मैं तो खलास हो गया। गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार, कहाँ है पिंकी? हाँ पिंकी। ए भाई अपना दिमाग मत फिरा, क्या पहली बार बम्बई में ठंडी गिरा ली, गरम मत कर, चल फुट चलो। बेटी अरे दरवाजा खोलो, माजी
अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, आज तो इनका खून तक बह गया। अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैंने तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए ये जंग नहीं लड़ी पिंकी। कल तक मैं तुम्हारे इस घर में रहने के खिलाफ था, मगर आज से ऐसे दरिंदों से बचाने का जिम्मा मेरा है। बस बस रुको, छुट्टा अंदर देता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी टांग संभाल के। हाँ संभाल के। अरे टांग मेरी। कमाल है साला, लंगड़े के माफी गया और घोड़े की तरह चल दिया। ए भाई ए, छुट्टा तो दो। अरे कहा छुट्टे के चक्कर में झोपड़े वालों को इस महल में पहुंचा दिया। चक्कर क्या है बड़ो? तुम क्या कीमत लोगे? अरे मीटर में जो गिरेला है वही लूंगा। अबे बेदिमाग आदमी, मैं मीटर की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं। ए साहब, कहीं तुम घर बुलाकर मेरी टैक्सी की कीमत तो नहीं लगा रहे हो? मैं पिंकी के बारे में पूछ रहा हूं। पिंकी? ओ ओ ओ, आप समझा? मैं पानी के जिन सांपों और नागों से लड़ता आया हूं, आप उस तालाब के मगरमच्छ हैं। थोड़ी देर लगी मीटर डाउन होने में। मगरमच्छ और तालाब की छोटी मोटी मछलियों को मगरमच्छ के दांतों से बैर नहीं रखना चाहिए। देखो साहब, हम टैक्सी ड्राइवर लोग उन लोगों में से होते हैं जो वक्त आने पर दांत तो क्या, सामने वाले की पूरी बत्ती से निकालकर हाथ में रख देते हैं। बच्चे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो मिट्टी के घर में रहने वालों से टकराते नहीं। कसम है टैक्सी के धंधे की जिसकी मैं रोटी खाता हूं सेठ, तुम्हारे इन गंदे हाथों में पिंकी तो क्या पिंकी की परछाई तक नहीं आने दूंगा। हाँ मुझे मालूम है तुम अपने चमचों को बुलाओगे, लेकिन एक छोटी बात अपनी खोपड़ी में उतार लो सेठ। सारा दिन इन हाथों से स्टीयरिंग घुमाता हूं, जैक चढ़ाता हूं, टायर बदलता हूं, और जो गाड़ी ज्यादा शोर करे कभी कभी उसका साइलेंसर भी चेंज कर देता हूं। अब तुम शोर कर रहे हो, कहीं इस उम्र में तुम्हारा साइलेंसर चेंज करना पड़ जाए। तुम तो गए ना गधे की, अपने धंधे पे लगे रहो बड़ू। अरे रे रे, अभी अभी तो समझाया था कि ये टैक्सी वाले का हाथ है। ये लो अपनी टैक्सी का भाड़ा। ये लो बारह आने, पावली कम है, छुट्टे का बांदा है, चाराना बाकी रह गया। आप लोग सब बेकार हैं, अभी तक हमारी पिंकी का कुछ पता नहीं। हमारी सारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारी कंपनी, हमारे नौकर चाकर सब बेकार हैं। सर आपके लिए कौन है? ओ शट अप विलियो। सर पिंकी मेम साहब के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है। हेलो सेठ राय बहादुर जी,
मुझे आपको आपकी पिंकी के बारे में कुछ बतलाना है। पिंकी, हेलो, कौन बोल रहा है? यूँ समझिए कि मैं आपका एक शुभचिंतक हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको इसलिए टेलीफोन किया है कि जिस तरह से आपकी बेटी नीता को एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था, उसी तरह से आपकी नवासी पिंकी को भी एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज से 18 साल पहले जिस सांप ने मेरी जिंदगी में जहर घोला, मैं उसे दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा। मैं उसका सर कसल दूंगा, मैं उसका सीना चंडी कर दूंगा गोलियों से, मैं उसका नाम निशान। हेलो, मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने इस दुनिया का कोना कोना छान मारा है, मगर हर तरफ से बस एक ही जवाब मिला, पिंकी नहीं मिली। काश कोई मुझे ये कहता कि पिंकी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं पिंकी मीम साहब को 10 मिनट में ढूंढ के ला सकता हूँ। वो कैसे? बस मुझे ये पता चलना चाहिए वो कहाँ है। अरे बेटी, अरे क्या कर रही है तू? इस तरह पूरी भीग जाएगी। ला ला, मुझे दे मटका। मटका मुझे दे। हाँ? नहीं माँ जी। हाँ? वैसे तो हम काम करते नहीं है, लेकिन जब हम काम करते हैं ना, तो पूरा करते हैं। अरे क्या, तू गिर जाएगी इस तरह से। संभाल के, हाँ संभाल के कर। पिंकी, क्या हुआ बेटी? माँ जी, हम इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, वो टूट गया, पानी भी गया। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। चल चल, कपड़े बदल ले, तू कितनी कितनी भीग गई है। चल चल अंदर। क्या पहन लिया तूने? आपकी साड़ी? नहीं बेटी नहीं, ये साड़ी तो विधवाएं पहनती हैं। विधवा? हाँ। वो क्या होता है? जिनके पति मर जाते हैं ना, वो ये साड़ी पहनती हैं। फिर तो हम ये साड़ी जरूर पहनेंगे, क्योंकि जहाँ नानू ने हमारी शादी तय की है ना, वो आदमी पति बनने से पहले ही मर जाएगा। माँ जी, हाँ? लाइए, आज हम ये कर देते हैं। अरे नहीं बेटी, ये तेरे बस का काम नहीं। क्यों? हमारे बस का काम क्यों नहीं है? आपने कभी हमें करते हुए देखा है? नहीं नहीं। तो फिर? अच्छा चल, मुझे चावल दे दे, तो ये कर। क्या? हाँ, हाँ। अरे बिटिया, ये तूने क्या कर दिया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बिटिया, ये सब तू रहने दे और जा बस्ती में बाहर जाके नाटक देख क्या है। लैला लैला, हाय लैला लैला, पुकारू मैं बन में, अरे लैला प्यारी बसी मोरे मन में, अरे लैला देख आ गया तेरा छैला। मजनू मैं इधर हूँ। मेरी लैला, तू मेरे दिल का चैन है, तू मेरे प्यार का फाउंटेन पेन है, ये मजनू तेरा फैन है, क्या खूबसूरत तेरे नैन है, एक आंख रोम है तो दूसरी स्पेन है। क्या तू मुझसे इतना प्यार करता है? अरे तेरे लिए मैं जान दे दूंगा। क्या तू मुझ पे इतना मरता है? ईमान दे दूंगा। क्या मेरा साथ निभाओगे?
अरे बाप की घड़ी की दुकान दे दूंगा। मेरे साथ घर बसाओगे? बाजू वाले का मकान दे दूंगा। एक लिपस्टिक तो दी नहीं जाती। लिपस्टिक? लैला ये कहकर तूने मार दी मेरे दिल पर स्टिक। अरे अरे लिपस्टिक क्या चीज है लैला? तेरे होंठ खुद लाल किले की तरह लालम लाल हैं। अगर तू ईंटों के भट्टे को चूम लेगी तो उसमें से हर ईंट लिपस्टिक बनकर निकलेगी। धका धक धका धक धका धक। देख ये लिपस्टिक निकली। अजनू लैला, क्या तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से फट गए हैं? क्या ये मेरी तलाश में इतने घट गए हैं? अरे कपड़े ही नहीं घट गए हैं, न जाने क्या क्या घट गया है। मेरा दिमाग जगह जगह से फट गया है। लगता है मोहब्बत की दुनिया से मेरा नाम कट गया है। ऐसा न कह मजनू। तो वादा करो कि अपने दिल की टेलीफोन डायरेक्टरी से मेरा नंबर नहीं काटोगी। नहीं मजनू, मैं तुम्हारा नाम नहीं कटने दूंगी, चाहे तुम्हें ही क्यों ना कटना पड़े। कटाई की बात कर रही है? कसाई की बेटी है क्या? अरे 20वीं सदी के मजनू, मोहब्बत में कुर्बानी बहुत जरूरी है। यही तो हमारे प्यार की मजबूरी है। अरे तो क्यों इतनी दूरी है? तो मेरी खेल पूरी है। अरे जहाँ पना, जहाँ पना, न जाने किस माँ ने तुझे जना। अबे फटीचर, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक बाप की लड़की भगाई? मैंने नहीं भगाई, ये खुद भाग के चली आई। भाग के चली आई? बेटी तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई? बेटी तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई? जहाँ पना, इसके पास भाड़ा नहीं था। हमारी लड़की के पास यहाँ आने के लिए भाड़ा नहीं था? यानी कि शाही खजाने में कड़की? आज से कड़की भगाई जाएगी और लड़की बचाई जाएगी, और ऐसे फटी चराशिकों पर चुंगी लगाई जाएगी और इनकी पुंगी बजाई जाएगी। डैडी प्लीज सेट अप। लैला गेट अप। आई एम फेड अप। जैनी तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारो, मैले हो जाएंगे। चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। लगता है मोहब्बत का जुनून तेरे सर पर चढ़ गया है, तू अपनी हद से बढ़ गया है। सिपाहियों, इस लैला को इस सड़क छाप मजनू से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दो। जब मुंह क्या देख रहा हो, जुदा कर दो। अरे अरे जालिमो, अरे जालिमो, अरे जालिमो, मेरी लैला को मुझसे जुदा न करो, मेरी लैला को मुझसे जुदा न करो। जल्लाद। नहीं
जी गोविंदा कहाँ है? अरे गोविंदा कहाँ है? तुझे बुखार है मेरी बच्ची बेटी? गोविंदा कहाँ है? नहीं नहीं बेटी, तू लेट जा, तू लेट जा, यहाँ लेट जा, लेट जा मेरी बेटी। हाय राम। हाँ हाँ गोविंदा आता ही होगा, मुश्किल से सुलाया है। लेकिन हुआ क्या है? अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम गोविंदा गोविंदा करके गिर पड़ी और गोविंदा 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे कहाँ चले गए थे तुम? हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते गोविंदा? कहाँ से लाते हम तुम्हें? कहाँ से लाते हम अपने गोविंदा को? गोविंदा हमें छोड़ के मत जाना गोविंदा, हमें छोड़ के मत जाना गोविंदा, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते गोविंदा, हमें छोड़ के मत जाना। पिंकी को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए माँ, शायद इसके दिल में। हाँ बेटे ये सच है, वो तुझे चाहने लगी है। इसके दिल में चाहत की जो लहर उठी है, एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का तूफान बन जाएगा माँ। मर्द होकर मुसीबतों का सामना करने से घबराता है? नहीं माँ नहीं, मैं मुसीबत से नहीं घबराता, मैं पिंकी की जिंदगी में कोई तूफान लाना नहीं चाहता। हम लोग गरीब हैं माँ, जिस तरह उसे प्यार और चाहत का फर्क नहीं मालूम, उसी तरह वो अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं जानती। और जिस दिन उसे अमीरी और गरीबी का फर्क मालूम हो जाएगा, उस दिन दुनिया के बनाए हुए काले और सफेद रंग की समझ आ जाएगी उसे। तो हम, हमारा प्यार, हमारी चाहत, हमारा सहारा, हमारा सब कुछ दौलत के उन खनकते सिक्कों की झंकार में डूब जाएगा मां। और ये गरीब गोविंदा पिंकी का सहारा बन नहीं पाएगा मां, पिंकी का सहारा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्या प्यार करने वाले वक्त आने पर एक दूसरे को सहारा देने के बजाय बेसहारा छोड़ देते हैं? बोलो क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? कौन सी ऐसी तकलीफ दी है हमने तुम्हें? पिंकी तुम नादान हो, बच्ची हो। नहीं नहीं गोविंदा, हम बच्चे नहीं हैं। एक दिन हमारे नानू ने हमें बच्चा कहकर हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, और आज तुम भी हमें बच्चा कहकर हमें घर से निकाल देना चाहते हो। हम सब जान गए हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सब हमसे नफरत करते हो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे गोविंदा, हम यहां से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। जिस घर में हमें प्यार ना मिले हम उधर क्यों रहे? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर ही जाए। पिंकी, 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 नहीं, पिंकी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पागल हो गए तुम? तुमने कभी सोचा अगर तुम चली गई तो मेरा क्या हो?
आज है लिपट गया दिल से ये दिल का इलाज है दुपट्टा तुम्हारा आशिक मिजाज है लिपट गया मेरे दिल पे आके जो मरहम बनाए
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पतरा थोड़ा सा अंदर चला गया, सामने की लाइटें फूट गई, बैटरी भी नहीं है, रेडिएटर से पानी निकल रहा है और इंजन तो ऐसा बैठा है लगता है जिंदगी भर नहीं उठेगा। कमाल है, तुम्हारा इंजन आगे है। मैडम ये बिलायती गाड़ी नहीं कि इंजन पीछे होगा, ये टैक्सी है और हिंदुस्तानी गाड़ियों के इंजन आगे ही होते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ 8-10 दिन का खाना नहीं मिलेगा बस। नो प्रॉब्लम, मैं तो 4-5 दिन डाइटिंग भी कर सकती हूँ। और मेरी माँ क्या करेगी? अगर ये टैक्सी नहीं चली तो घर में खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, वो जो भगवान जी है ना, भगवान जी कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, 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 भगवान का। भगवान दास, 50,000 रुपये। लेकिन क्यों? अरे भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? चलो जल्दी पैसे निकालो अभी। नहीं नहीं, फोन दो मेरे को। अरे आप क्या करेगी फोन को? हाँ, लीजिए, हमको पैसे नहीं दोगे ना? नहीं, हम देखते हैं तुम हमको पैसे कैसे नहीं देते। हम नहीं दे सकते। हेलो, हाँ नानू, हम पिंकी बोल रहे हैं नानू। हाँ नानू, हम ये भगवान दास की दुकान से बोल रहे हैं नानू। नानू देखिए नहीं, हमें पैसे नहीं दे रहा ना। अरे आप क्या कर रही हैं, मुझे दीजिए फोन, मैं बात करता हूँ ना। फोन नहीं, पहले हमें पैसे दो फिर हम तुम्हें फोन देंगे। नहीं दे सकते। हेलो, हाँ नानू, अच्छा आप इसे नौकरी से निकाल दोगे? नहीं नहीं नहीं, नौकरी से मत निकालिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, नौकरी से मत निकालिए। हाँ नानू, वैसे एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से नौकरी और पैसे निकालो। हाँ है, और भी देता हूँ। हाँ नानू, पैसे तो वो दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, मैं ले लूंगी। हाँ नानू, आप बात करिए नानू से। हाँ लाइए। हाँ नानू, आप बात कीजिए, हमारा काम तो हो गया नानू। ओके, अच्छे अच्छे से बात करेंगे। हेलो सेठ जी, सेठानी है यहाँ तो? ढेर सारे रुपए कहाँ से उठा के ले आई? अरे माँ जी, हमने कोई चोरी या डकैती थोड़ी ना की है, ये तो हम अपनी नानो की दुकान से लाए हैं। बेटी, ये जो हमारे घर में आए हैं ना, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बेटी, तुम्हारे बाप पर किए गए जुल्मों की कहानी इन तस्वीरों के पीछे है। से कभी मिलवाया नहीं। बेटी, मैंने जब जब तुमसे मिलना चाहा, तुम्हारे नानू ने मुझे नौकरों से धक्के दिलवा कर, लाठियों से लहूलुहान कर मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं भूखा प्यासा सड़कों पे तड़पता रहा, भटकता रहा, और तुम्हारी मां ने मेरी जुदाई के काम में जहर खा लिया। बेटी, तुम्हारी मां मर गई। डैडी, हमें मालूम नहीं था कि हमारे नानू इतने बुरे आदमी हैं। बेटी, अगर नानू को पता चल गया कि तुमने अपना घर यहां बसा लिया है, तो बेटी वो तुम्हारे गोविंदा के साथ वही जुल्म करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ किए थे। बेटी, वो तुम्हारे गोविंदा को तुमसे उसी तरह अलग कर देंगे जिस तरह से उन्होंने मुझे तुम्हारी मां से अलग कर दिया था। तो हम भी गोविंदा के लिए जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। अब बेटी मैं चलता हूँ, हफ्ते में 2-4 बार मिलने आ जाऊंगा। अच्छा बेटी।
से आया था? वो पिंकी के पिताजी हैं। पिंकी के बारे में पूछ रहा हूं। पिंकी, दुनिया की सारी दौलत भी कम है। कौन है आप? मैं पिंकी का नाना हूँ। नानू, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो बेकसूर है। पैसे तो हम लेकर आए थे। चलिए पिंकी मैम साहब, चलिए। नानू, नानू नहीं, नानू, नानू नहीं, नानू, गोविंदा बेकसूर है, नानू छोड़ दीजिए गोविंदा को, नानू प्लीज, नानू मेरी बात मानिए। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। खबरदार, जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया, उसने कोई धोखेबाजी नहीं की। मैं अपने बेटे को इस तरह झूठी चोरी के इल्जाम में नहीं ले जाने दूंगी। माँ, अमीरी में बहुत ताकत होती है, मगर बेटे, वो हम गरीबों पर इल्जाम तो क्या, हमें फांसी पर भी लटका सकती है, मगर सच्चाई पर मेरा पूरा विश्वास है। चलिए इंस्पेक्टर। सेठ, यह किस्सा कहीं और नहीं दोहराना, वरना दुनिया का कोई गरीब कभी किसी अमीर को सहारा नहीं देगा। ये चाल तो मैं समझ गया, लेकिन तुमने अपनी बेटी को अपने ससुराल भिजवा दिया, वो चाल अपने समझ में नहीं आई। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा राजा और रानी मेरी चाल के जाल में फंस चुके हैं, उसी तरह वो दौलत का राजा और उसकी नवासी मेरी चाल के जाल में फंस जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरा पयादा अपनी चाल की बाजी ऐसे अरे वो रही उसकी माँ। बस्ती वालों, कौन खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी राय बहादुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कोई कार्रवाई करने को दी मेरी जमानत। मैं तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए यहां पर आया हूं। बरसों पहले इसी राय बहादुर ने तुम्हारी ही तरह मुझे भी इन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे जमानत पर छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी बेटी मेरी पत्नी की तरह जहर खा के आत्महत्या कर लेती। राय बहादुर ने मेरी मां को तो खत्म कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को मरने से बचा लिया। क्या हुआ मेरी मां को? राय बहादुर के कुत्तों ने तुम्हारी मां को कुछ जख्म पहुंचाए हैं। Thank you.
तक क्यों सबने राज करने वाले कर हिम्मत है तो बारा तेरी दौलत की ताकत का एक ही फटके में मीटर डाउन ना कर दिया तो मेरा नाम गोविंदा नहीं। अरे सो गए के महल वाले, अगर माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। तेरी बहादुरी का इम्तिहान लेने एक गरीब माँ का बेटा तेरे घर में घुस के तुझे ललकार रहा है, बाहर निकल। इस घर की दहलीज पर कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे हिम्मत तो हम गरीब माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं। बंद कर ये बेहुदा बकवास। हाँ हाँ, हम गरीबों की हर बात बकवास है, बेबुनियाद है। हम पर होने वाले अत्याचार 20 पैसे के अखबार में छपने वाले एक मामूली से समाचार है ना? क्या अत्याचार किया है हमने? अरे अपने गुंडों से मेरी माँ को जख्मी करवा कर अस्पताल पहुँचा दिया, क्या ये अत्याचार नहीं सत्याचार है? क्या समझा था तुम? किस्सा खत्म हो गया, बेटा जेल में और माँ अस्पताल में दम तोड़ देगी? नहीं सर नहीं, जो माँ बच्चे को दूध पिलाए बिना नहीं मरती, बच्चा उसके दूध का हक अदा किए बिना नहीं मरेगा सेठ, नहीं मरेगा। अच्छा तो ये तेरी नई चाल है, हमारी पिंकी को बहकाने का नया तरीका ढूंढा है तूने? बच्चों ये क्यों नहीं कहता कि बिजनेस करने आया है? बोल कितना रुपया चाहिए? ये दौलत अपने लिए संभाल के रखना सेठ राय बहादुर, अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना तो कसम है मां के दूध की, मुझसे बचने के लिए तुम्हारी ये 50 पीढ़ी की जायदाद कम पड़ेगी। गोविंदा, हम आ गए गोविंदा। बेटी ना रो मत, तेरी और गोविंदा की शादी जरूर होगी, एक बाप के आशीर्वाद से होगी। देखता हूं तेरा नानू एक बाप से उसका हक कैसे छीनता है। तू चल मेरे साथ, चल अब चलो। मेरी बेटी देर मत करो, नहीं तो मेरे सारे किया करा में पानी फिर जाएगा। हाँ पिंकी, तुम इन्हीं के साथ चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे नानू दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुम इनके साथ चली जाओ, चली जाओ बेटी। चल मेरे बेटा, आजा आजा, चल। पिंकी को घर वापस लाने का यही तरीका रहेगा? हाँ यही तरीका है, यही रास्ता है। तू आज भी क्यों नहीं आएगा खान? तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मैं जाऊंगा आज, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Thank you.
पिंकी कहाँ है? पिंकी इस बस्ती में नहीं है। तूने आज तक जिंदगी में नहीं देखे और तेरी बाकी की जिंदगी तू इन्हें गिनने में गुजार देगा बेटा। सिर्फ मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दो प्लीज, मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। अच्छा तो आप धंधा करने आए हैं, बिजनेस? कितने रुपए लाए हो सेठ? 10 लाख करोड़ 10 करोड़? कसम मां के दूध की, अगर पिंकी यहां होती भी ना तब भी दौलत और मोहब्बत के सौदे में आप मात खा जाते, क्योंकि आप जैसे दौलत वाले की दुनिया में दिल की कीमत होती होगी, लेकिन हम प्यार करने वाले की दुनिया में दिल वो अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं होता। शायद तेरे नसीब में मेरी दौलत नहीं लिखी, शायद तेरे नसीब में मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। सेठ, सारी दुनिया की तकदीरों का ट्रैफिक उसकी लिखावट पर चलता है। अगर गोविंदा की किस्मत में मोहब्बत के नाम पर मरना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, और अगर तुम जैसे लोगों की नफरत को मारकर जीना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। तुमने साबित कर दिया सेठ कि तुम अमीरों के पास दिल होता ही नहीं, इसलिए शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि दिल होता कहां है। दिल यहां है सेठ, निशाना यहां लगाओ, देखता हूं तुम्हारी नफरत मुझे मार सकती है या मेरी मोहब्बत की ताकत मुझे जिंदा रखती है। हो गया तू, गलत आदमी पर गोली चला रहा है, असली मुजरिम तुम्हारा दामाद है, ये लो उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे नाम। ससुर जी, आपकी तिजोरी की चाबी यानी कि मेरी बेटी पिंकी इस वक्त मेरे कब्जे में है, आप बिना पुलिस को खबर किए काली पहाड़ी पे नोटों के साथ पहुंच जाइए। आपका इकलौता दामाद। पिंकी को उसके लालची बाप के चंगुल से छुड़ाकर अब तुम ही ला सकते हो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रुक जाओ, पिंकी को सही सलामत उसके नानू के पास ले जाना तेरा फर्ज ही नहीं, हमारी की हुई गलती का प्रायश्चित भी है। अगर तू उसे ना ला सका तो ये गोली तेरे काम आएगी। अपनी की हुई गलती के प्रायश्चित में मेरे बेटे को गंवाने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जिस बेटे को मां का आशीर्वाद मिल जाए उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। दादी, इस जगह पर तो नानू पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन दादी ये सब लोग कौन है? बेटी, ये सब तुम्हारे बाराती हैं, तुम्हारी डोली उठाने वाले मेरे साथी हैं। इनके होते हुए तुम्हारे नानू तुम्हारी और गोविंदा की शादी नहीं रोक सकते। डैडी, नानू की गाड़ी आ रही है। डैडी, वो देखो अब क्या
क्या होगा? घबराओ मत बेटी, तुम्हारे नानू इस वक्त तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। आइए ससुर जी आइए। ये तो बताइए कि अपने निवासी के कन्यादान के लिए कितना दान लाए हो? हरामजादे, अपने कुत्तों से कहे केक एक लोट गिन कर देख ले, पूरे पैसे लाया हूं। अब मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दे, मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दे। डैडी ये सब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने की कीमत वसूल कर रहा हूँ बेटी। देखा बेटी, ये हमेशा तुम्हें झूठी बातों से बहकाता रहा, मेरे खिलाफ करता रहा, ये देख इतने सारे रुपए तुम्हें वापस लौटाने की कीमत मांग रहा है ये। ये ठीक है बेटी, देख बुड्ढे, तेरी बेटी से शादी करके मैंने एक छोटी सी बाजी जीती थी, लेकिन खुद बेटी को जन्म दे के मैंने जैकपॉट जीत लिया है। इससे तेरा क्या बिगड़ा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो ससुर जी? बस चंद लम्हों की तो बात है, अभी मेरा एक आदमी इधर आएगा और मुझे बॉर्डर पार करा देगा, तब तक एक बेटी अपने बाप के पास रहेगी, अपने नाना के पास नहीं। आ गया। मिस्टर जॉन सब तैयार है? ओह यस, सब तैयार है। 45 मिनट्स के अंदर हमारा जीप तुम्हें बॉर्डर के बाहर पहुंचा देगा। हिस्सा दे दो इसे। अजीत, पैसा तो हम बहुत कमाया, आपके बाहर हमको ये गर्ल मांगता।
ये पैसे चल सुनिए। नहीं।
उसको। गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया। गली गली बदनाम।